वेलकम बैक। एक बार फिर शामदीद कहते हैं तमाम आने वाले व्यूअर्स को। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न वन और यहाँ पे लाइट प्रॉब्लम्स की वजह से मुसलसल हमें काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहतरीन से बेहतरीन रिज़ल्ट आप लोगों तक पहुँचा सके इस पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न। वन की इस मरतबा अब पिच के लिए हैं थोड़ा सा, इस बॉल को फील्डर बॉल तक पहुंच ना सके, चार रन का इजाफा स्कोर में। बेहतरीन शॉट बिल्कुल मिडल ऑफ द बैट से खेलने में कामयाब, 57 बॉल्स के ऊपर 79 रन अब दरकार है ये मैच जीतने के लिए। एक बार फिर इस मरतबा मिड विकेट की जानिब खेलने में कामयाब हो गए हैं, फील्डर वहां पे मौजूद और एक और रन का इजाफा किया स्कोर में। शाहिद अपना पहला ओवर करा रहे हैं और देखना है कि यहाँ पे वो विकेट लेने में कामयाब होंगे। स्पिनर्स पे काफ़ी इनसार रखते हैं यहाँ पे किला से फुला, 134 के ताकुब में इस वक्त इन प्रोग्रेस हैं। एक बार फिर यहाँ पे लॉन्ग मिड ऑफ की जाने बॉल को खेलने में कामयाब हो गए हैं, एक और रन का इजाफा स्कोर में। बलूचिस्तान सुपर लीग सीज़न वन चौथा मैच इन प्रोग्रेस है इस वक्त। बोलान को के स्टेडियम से बराह रास्त मनाजिर आप लोग देख रहे हैं। अगले ओवर का आगाज इस बीच पहली गेंद इसको हिट करना चाहते थे और क्लीन बॉल्ड हो गए हैं, यहाँ पे एक और विकेट गिरी है, चौथा नुकसान क्वेटा नाइट्स की टीम को यहाँ पे उठाना पड़ा। डाउन द ट्रैक इस बॉल को उठाना चाहते थे, बीट हुए बॉल गई हुए विकेटों पे लगी और एक और विकेट गिरी है। फैज आगा आउट हो गए हैं 6 रन बनाने के बाद, 10 बॉल का सामना किया उन्होंने, 53 अब दरकार हैं। सैयद जैनुल्ला ने आने वाले बैट्समैन बड़ा अच्छा कमबैक यहाँ पे, हालांकि एक लो स्कोरिंग टारगेट मिला था यहाँ पे किला सैफुल्ला की टीम को, लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा किला सैफुल्ला के बॉलर्स को कि जिस अंदाज में आज उन्होंने बॉलिंग की है बेहतरीन तरीके से, यकीनन अनबिलीवेबल बॉलिंग उनकी जानिब से देखने को मिली है। एक बार फिर अब्दुल बॉलिंग करेंगे यहाँ पे सैयद को, इस मरतबा पॉइंट की जानिब
बॉल को खेलने में कामयाब हो गए हैं। वहाँ पे फील्डर मौजूद, कवर से दौड़ के आए, रन्स बनाने का मौका नहीं। अब पिच खेले हैं इस बॉल को, लेकिन बॉल सेफली जो है वो लैंड किया है, और इस दौरान 2 रन का मजीद 1 रन हासिल किया। दूसरे इसके लिए ज़रूर गए थे लेकिन कामयाब नहीं हुए। 52 बॉल पे 72 दरकार है ये मैच जीतने के लिए। और अब देखने होगा कि वो किस तरह परफॉर्म करेंगे यहाँ पे। वंस अगेन इस मरतबा लेग साइड की जाने बॉल को खेलने में कामयाब हो गए हैं। एक और रन का इजाफा स्कोर में 66 रन पे पहुँचा है मजमुआ इससे 1 रन के साथ। अब 46 बॉल्स के ऊपर 67 रन मजीद चाहिए, हाफ रन बनाने में कामयाब हो गए हैं इस इवेंट के। मतलब आप पिच खेले हैं, फील्डर मौजूद, डाइव जरूर लगाई लेकिन उनके हाथों से बॉल निकल गया। अच्छी एफर्ट यहाँ पे देखने को मिली है। गली और पॉइंट के दरमियान खड़े हुए इस फील्डर की जानब से यकीनन बेहतरीन ट्राई की है, अपने फॉरवर्ड जानब डाइव जरूर लगाई है, इस बॉल को कैच करने की कोशिश 100% एफर्ट की लेकिन कामयाब नहीं। उनके हाथों में बॉल लगने के बाद नीचे गिरा है। इस मरतबा लॉन्ग ऑन की जानब बॉल को खेलने में कामयाब हो गए हैं। 4 रन का इशारा अंपायर की जानब से, एक वेलकम बाउंड्री यहाँ पे मिली है। एक बार फिर
स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड बॉल को खेलने में कामयाब हो गए हैं। फील्डर वहाँ पे मौजूद, दौड़ के आए हैं इस बॉल को पकड़ने के लिए। एक और रन्स का हुआ इजाफा, 43 बॉल एक्स्ट्रा रन्स दरकार। अब लास्ट डिलीवरी है, मरतबा लॉन्ग ऑफ की जाने बॉल को खेलने में कामयाब हो गए हैं। एक और रन्स का इजाफा स्कोर में। ओवर एहतमाम पजीर, 74 चार विकेटों के नुकसान पे 13 के बाद। इस बीच अगले ओवर का आगाज़ यहाँ पे, और पहली बॉल पे 4 रन कंसीड किए हैं। वंस अगेन वेलकम बाउंड्री मिली है, इस मरतबा अच्छी गेंद, 79 लॉस ऑफ 4 विकेट्स। और इन दोनों बैट्समैनों को विकेट पे स्टे करना चाहिए अगर इस मैच में कामयाबी चाहते हैं क्वेटा नाइट्स की टीम, यकीनन उनके लिए इंतहाई ज़रूरी। इस मरतबा फाइन लेग की जाने बॉल को खेलने में कामयाब हो गए हैं। बाउंड्री से फील्डर दौड़ के आए, मिस फील्डिंग ज़रूर हुई है उनसे हालांकि, लेकिन एक रन पे इत्तेफाक किया दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों के दरमियान। वंस अगेन मरतबा मिड विकेट की जाने बॉल को खेलने में कामयाब हो गए हैं। एक और रन का इजाफा, 14 ओवर एहतमाम पजीर हुए, 14 की बाज 82 बनाए हैं 4 विकेटों के नुकसान पे। जावेद 34 रन पे बैटिंग कर रहे हैं जबकि सैदुल्ला ने 14 रन बनाए हैं। 7 बॉलर अभी तक आजमाए हैं किला सैफुल्ला के कैप्टन ने। क्वेटा नाइट्स इस वक्त एक ऐसे स्टेज पे मौजूद जहाँ से वो इस मैच में कामयाबी हासिल कर पा सकते हैं अगर उन्होंने विकेट यहाँ पे थ्रो नहीं की। 82 बनाए हैं 4 विकेटों के नुकसान पे। 14 ओवर एहतमाम पजीर, 36 बॉल्स के ऊपर 52 रन दरकार हैं इस मैच को जीतने के लिए। और यकीनन इस स्टेज पे अगर उनको एक विकेट मिल जाती है तो डेफिनेटली इस मैच में मज़ीद इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आ सकता है, स्पेशली अगर जावेद की विकेट यहाँ पे हासिल की है तो यकीनन यहाँ पे क्वेटा नाइट्स की टीम मुश्किलात का शिकार हो सकती है क्योंकि जावेद काफ़ी देर से ग्रीस पे मौजूद, सेट हो चुके हैं प्रॉपर तरीके से, और वही जो है इस मैच में कमबैक हासिल कर पा सकते हैं अपनी टीम के लिए, क्वेटा नाइट्स के लिए। अब देखना है कि इस 15वें ओवर के लिए कौन से बॉलर को यहाँ पर बुलाएंगे कैप्टन।
मोहम्मद खान आए हैं बॉलिंग करने के लिए। 3 ओवर में 1 मिनट 9 रन दे के 2 विकेटें हासिल की हैं। 3.0 की इकॉनमी के साथ यहाँ पे बॉलिंग की है। एक बार फिर स्पिनर को यहाँ पे यूटिलाइज़ किया है और फेस करेंगे सैदुल्ला, अब लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। फील्डिंग में तब्दीली, लॉन्ग ऑन को पीछे धकेल दिया है, लॉन्ग ऑफ मिड ऑन और मिड विकेट। इस मरतबा इस बॉल को खेलने में कामयाब हो गए हैं। मिड ऑन की जानिब बाउंड्री लाइन पे फील्डर प्रोटेक्शन के लिए वहां पे मौजूद है। 1 रन का इजाफा स्कोर में। एक बार फिर अब जावेद जो है वो फेस करेंगे, स्ट्रेट के लिए हैं वापस अपने फॉलो थ्रू में। बड़ी बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पे देखने को मिली है, यकीनन अपनी टीम के लिए रन्स बचाए हैं। यहाँ पे डाइव लगा के इस बॉल को रिसीव किया है। वंस अगेन मोहम्मद खान अपने कोटे का आखिरी ओवर करा रहे हैं। अब पिच ज़रूर के लिए थे यहाँ पे हल्के से, लेकिन अब फील्डर मौजूद है यहाँ पे मिड ऑन पे। उन्होंने इस बॉल को फील्ड किया और डाउन द लेग साइड अंपायर का इशारा वाइड, तो एक और एक्स्ट्रा का इजाफा और अब 49 रन दरकार है 33 बॉल्स के ऊपर ये मैच जीतने के लिए क्वेटा नाइट्स की टीम को। स्मतबाइक को और रन का इजाफा स्कोर में वाइट के बाद। 13 रन अभी तक दे चुके हैं मोहम्मद खान 3.4 के बाद 86 4 विकेटों के नुकसान पे। सेकंड लास्ट डिलीवरी अब फेंकेंगे इस 15 ओवर की। जावेद फेस कर रहे हैं और जिस अंदाज से यहाँ पे जावेद खेल रहे हैं तो यकीनन काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। रेस्क्यू रन्स हैं लेकिन सेफली दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ पे कंप्लीट करने में कामयाब हो गए हैं। एक और रन का इजाफा स्कोर में। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के दरमियान 47 दरकार 31 बॉल्स के ऊपर। तो जितने भी व्यूवर्स ने हमें ज्वाइन किया उनसे गुजारिश है कि इस लाइव ब्रॉडकास्ट को अपने ग्रुप पेज और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करते जाएं। ये लाइव मनाजिर इस वक्त आप लोग देख रहे हैं बुलान को के स्टेडियम क्वेटा बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान सुपर लीग सीज़न 1 2023 क्वेटा नाइट्स बामुकाबला किला सैफुल्ला के दरमियान चौथा मैच इस वक्त इन प्रोग्रेस है। तो अब 5 ओवर रिमेनिंग है इस मैच में। और अब देखना है कि बाकी माने इस 5 ओवर्स में कामयाब होंगे या नहीं।
अब्दुल गनी आए हैं बॉलिंग करने के लिए, उनकी पहली गेंद यहाँ पे आप इसके लिए है और तवा शॉट है और बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन का इशारा अंपायर की जानिब से, बेहतरीन शॉट बिल्कुल मिडल ऑफ द बैल से खेलने में कामयाब हो गए हैं और चक्के के साथ यहाँ पे अब्दुल गनी का इस्तकबाल किया है सैदुल्ला ने। 40 रन अब क्वेटर नाइट्स की टीम को दरकार है ये मैच जीतने के लिए 29 बॉल्स के ऊपर। व्हाट अ पावर हिटिंग, बेहतरीन शॉट बिल्कुल मिडल ऑफ द बैट से इस बॉल को खेलने में कामयाब हो गए थे। बोलानपुर के स्टेडियम क्वेटा के लाइव मनाजिर आप लोग बलूचिस्तान सुपर लीग के ऑफिशियल फेसबुक पेज के ऊपर साथ साथ में SBN पाकिस्तान के ऊपर भी देख रहे हैं। वंस अगेन रियली थैंक्स टू द ऑल स्पॉन्सर्स मैनेजमेंट, एक बेहतरीन इवेंट का यहाँ पे इनेकाद किया है बलूचिस्तान के प्लेयर्स के लिए। एक बार फिर आगाज यहाँ पे इस मरतबा कट करने में कामयाब हो गए हैं फाइन लेग की जानिब, फील्डर वहाँ पे मौजूद, 1 रन का मजीद इजाफा 28-39 अब दरकार है। ये मैच जीतने के लिए वंस अगेन बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा जवाद की जानिब से, स्पेशली अगर देखा जाए जवाद जिस अंदाज से यहाँ पे लेके जा रहे हैं अपनी टीम को कामयाबी की तरफ तो यकीनन काफ़ी फ़ायदा मंद साबित हो रहा है। और यहाँ पे किला सैफुल्ला के बॉलर्स को अब चाहिए कि अगर वो इस मैच में कामयाबी चाहते हैं, इस मैच में कम बैक चाहते हैं तो जवाद की विकेट लेना इनके लिए इंतहाई ज़रूरी, क्योंकि वो मुकम्मल प्रॉपर तरीके से सेट हो चुके हैं। उनके निगाहें बॉल के ऊपर काफ़ी तेज़ है इस वक्त। मतबा स्वीप करना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। एक और बेहतरीन डिलीवरी, इस मरतबा रन बनाने का मौका नहीं मिला। टू बैक डॉट डिलीवरीज यहां पे वंस अगेन। अच्छा शॉट है यहाँ पे और छः रन के लिए बॉल चली गई है बाउंड्री लाइन के बाहर, एक और चक्का और उसके चक्के के साथ 100 रन भी कंप्लीट हो गए हैं 102 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे मनाजिर बोलानपुर के स्टेडियम के इस वक्त आप लोग देख रहे हैं क्वेटा क्रिकेट ऑफिशियल पेज के ऊपर, SBN पाकिस्तान चैनल के ऊपर और साथ साथ में मलकन क्रिकेट के ऊपर भी।
मोहम्मद उमर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। दो ओवर में 12 रन देके विकेट हासिल की हैं उमर ने। 6 की इकॉनमी के साथ यहाँ पे बॉलिंग की है। अब कमेंट्री बॉक्स से बॉलिंग करेंगे उमर। इस मरतबा कट शॉट खेलने में कामयाब, पॉइंट की जाने फील्डर मौजूद, रन आउट का चांस, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के दरमियान और किया है यहाँ पे इजाफा एक और रन का। 23 बॉल 31 रन दरकार। एक बार फिर इस मरतबा गुड लेंथ पे डिलीवरी पेंकी है और इसको फाइनल की जानब खेलने में कामयाब। सर्कल के अंदर फील्डर मौजूद थे, उन्होंने इस बॉल को फील्ड किया। एक और रन का इजाफा स्कोर में। इस मरतबा स्ट्रेट खेले हैं और अपने फॉलो थ्रू में इस बॉल को फील्ड करने में कामयाब हो गए हैं। उमर एक बार फिर बेहतरीन डिलीवरी यहां पे फेंकने में कामयाब हो गए हैं। एक और रन का इजाफा स्कोर में। उमदा परफॉर्मेंस इस वक्त जारी है उमर की जानिब से, स्पेशली इस ओवर में बैट्समैन को मौका नहीं दे रहे हैं कि वो कुल के शॉट खेल सकें। 4 बॉलों पे 3 रन कंसीड किए, अपने कोटे का तीसरा ओवर करा रहे हैं उमर। एक और बेहतरीन डिलीवरी यहाँ पे लॉन्ग ऑन की जानिब बॉल को खेलने में कामयाब हो गए हैं। फील्डर वहाँ पर मौजूद, उन्होंने इस बॉल को रिसीव किया है। सत्रह हो रहे थे तम पजीर, 17 के बाद 84 बनाए हैं 4 विकेटों के नुकसान पे। अब 18 बॉल्स के ऊपर 26 रन दरकार हैं। डिसीजन इज पेंडिंग और अब देखना है, फैसला कर रहे हैं कि कौन से बॉलर को यहाँ पे बॉलिंग करने के लिए बुलाया जाए, क्योंकि 18 बॉल 26 रन है, 3 ओवर में 26 रन दरकार है। दो सेट बैट्समैन इस वक्त ग्रीस पे मौजूद हैं जो कि किसी भी वक्त इस मैच का पलसा पलट सकते हैं। अट्ठारह बॉल के ऊपर 26 रन दरकार है और एक तवील डिस्कशंस के बाद यहाँ पे बॉलर्स को बॉलिंग करने के लिए बुलाया है। सरदार अहमद आए हैं बॉलिंग करने के लिए। अब देखना है कि सरदार किस तरह जो है परफॉर्म करेंगे यहाँ पे अपनी टीम के लिए, और ये ओवर बड़ा क्रिशियल है यहाँ पे। अगर बॉलिंग अच्छी करते हैं सरदार तो डेफिनेटली
ये मैच मज़ीद इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि दोनों बैट्समैन अब प्रॉपर तरीके से सेट हो चुके हैं, जावेद एंड सईद की अगर बात करें, और अब सईद फेस करेंगे सरदार को। ठाकी कह रहे हैं इस बॉल को, अच्छा शॉट है और बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन के बाद चार रन के लिए। एक और वेलकम बाउंड्री यहाँ पे, चार रन का मजीद इजाफा 22-17 बॉल्स के ऊपर। एक मरतबा कट शॉट खेलने के लिए गए, रन आउट का चांस लेकिन मिस कर गए हैं, और अब ओवर थ्रो की सूरत में जहां पे एक रन बनना चाहिए था वहां पे दो रन मजीद एड किए हैं, तो 20 रन चाहिए 16 बॉल्स के ऊपर। बेहतरीन मैच इस वक्त जारी है, बॉल को खेलने में कामयाब हो गए हैं, फाइनल लेके जाने, बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ चार रन, एक और वेलकम बाउंड्री मिली है, अच्छी बैटिंग सैयद की जानिब से यहाँ पे देखने को मिल रही है, टू बैक बाउंड्रीज इस ओवर में। एक और शॉट पॉइंट की जानिब, बॉल को खेलने में कामयाब हो गए हैं, एक और रन का इजाफा स्कोर में। एक और बेहतरीन खूबसूरत शॉट इस बार तब जावेद एक्शन में आए हैं नजर, अब एक और रन का इजाफा स्कोर में इस मरतबा, तो दो ओवर में अब 10 रन दरकार है ये मैच जीतने के लिए। लास्ट टू ओवर्स रिमेनिंग, जस्ट ओनली 10 रन रिक्वायर्ड क्वेटा नाइट्स की टीम के मैच जीतने के लिए। सेकंड लास्ट ओवर की पहली डिलीवरी, मतलब शॉट को खेलने में कामयाब हो गए हैं मिड विकेट की जानिब, वहाँ पे मिस फील्डिंग ज़रूर हुई है हल्की सी, लेकिन उमर आए हैं मोहम्मद उमर बॉलिंग करने के लिए, तीन ओवर में 18 रन देके विकेट हासिल की है उमर ने।
जितने भी व्यूवर्स ने हमें ज्वाइन किया है उनसे गुजारिश है कि इस लाइव ब्रॉडकास्ट को अपने ग्रुप पेज और फ्रेंड्स के साथ शेयर करते जाएँ। लाइव मनाजिर इस वक्त आप लोग देख रहे हैं बुलान क्रिकेट स्टेडियम क्वेटा बलूचिस्तान से, और अब पिच खेले हैं, उड़ता हुआ शॉट है और 6 रन के लिए बॉल चली गई है बाउंड्री लाइन के बाहर। एक बेहतरीन शॉट यहाँ पे शेद के बैट से, तो अब सिर्फ 2 रन की दूरी पे इस मैच से। तो बिलाखिर यहाँ पे छुटकारा हासिल किया है सही ऐसे 46 रन बनाने के बाद वो आउट हो गए हैं। सैयद जैन जैनुल्ला उम्दा बैटिंग की है, 9 बॉल्स पे 2 रन चाहिए क्वेटा नाइट को ये मैच जीतने के लिए। कलीमुल्ला आए हैं बैटिंग करने के लिए, एक 5 विकेटों के नुकसान पे। मतबा स्लो चेंज अप एस डिलीवरी पैंकी है, समझ ना सके कलीम। डॉट डिलीवरी 8 बॉल 2 रन। एक और बेहतरीन बॉल, 2 कंसेक्यूटिव डॉट डिलीवरीज यहां पे फेंकने में कामयाब हो गए हैं। अब लास्ट डिलीवरी है, मतबा वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से, स्कोर अब लेवल हो चुका है। फुल टॉस और इसको खेलने में कामयाब जरूर हुए, लेकिन रन यहाँ पे नहीं लिया। डॉट डिलीवरी वंस अगेन, तो अब लास्ट ओवर में सिर्फ 1 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए। 5 विकेटें गिरी हैं। और इसके साथ ही क्वेटा नाइट्स ने ये मैच जीत लिया है 5 विकेट से। बेहतरीन बैटिंग का मुजहरा क्वेटा नाइट्स के बैट्समैनों की जानिब से, एक अच्छा मैच हमें देखने को मिला है। जीत आखिरी बॉल पे, इससे प्रीवियस बॉल पे चौका लगाने में कामयाब हो गए, तो कंग्रेचुलेशन टू क्वेटा नाइट्स। और किला सैफुल्ला ने भी आज अच्छी बैटिंग की है और फिर बॉलिंग में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लास्ट ओवर में मैच जीतने में कामयाब हो गए हैं। तो तमाम व्यूअर्स का वंस अगेन गहरे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें ट्यून किया और
इस मैच में हमारे साथ जुड़े रहें। ये मैच जीता है क्वेटा नाइट्स की टीम ने।